इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के ऊपर आधारित होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच पक्षी योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म कौन सी योनि में मिलती है, आइए जानते हैं। एक बार महर्षि वेद व्यास से ऋषि ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनि में भटकना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास ने कहा, हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदा ही आदरणीय है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उनका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दें तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन चोरी करने से सदा ही बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध होता है, ऐसा कर्म करने वाले अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है, इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो वैसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, हमें अगले जन्म के बारे में तो पता नहीं, पर आज हम अच्छे कर्म करें तो मरने के बाद लोग जरूर कहेंगे कि अच्छा भला आदमी था, काश इस जहां में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होता तो लोगों को सही रास्ते दिखाते और मानव समाज में उद्धार होता। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद।